और एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की कायराना हरकत। चीन पाकिस्तान के क्यों उड़े होश? सीडीएस ने की राफेल उड़ाने वाले वायुसेना पायलटों की तारीफ। किसने की पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार की मांग? चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखते हैं टॉप नाइन चीन पाक साजिश। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान ने कई बार पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन कर उकसाने वाली फायरिंग की है। राजस्थान के जोधपुर में भारत फ्रांस के युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 से चीन पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। सीडीएस बिपिन रावत की मौजूदगी में वायुसेना के फाइटर पायलटों ने राफेल विमान को उड़ाया। इस दौरान सीडीएस रावत ने भारत और फ्रांस के पायलटों से राफेल की बारीकियों की भी जानकारी ली। ये वॉर एक्सरसाइज 24 जनवरी तक चलेगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भारतीय वायुसेना और उसके पायलटों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के पायलटों में राफेल जैसे नए लड़ाकू विमानों को जल्द सहजता से उड़ाने की काबिलियत है और ये हमने फ्रांस के सामने करके दिखाया भी है। सीडीएस रावत ने कहा कि भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप वायुसेना के साथ लीग में है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारे दुश्मन जिस तेजी से आधुनिक हो रहे हैं उस हिसाब से हम थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के 25 साल के वेबिनार में जनरल नरवणे ने कहा कि सेनाओं के विदेशी उपकरणों पर निर्भरता स्वदेशी क्षमता बढ़ाकर कम करनी चाहिए। पाकिस्तान अब आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सुरंगों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। सुरंगें बनाने में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की मदद कर रही हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पिछले कुछ साल में भारत ने कई सुरंगें पकड़ी हैं जो काफी हाईटेक हैं। भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिश रचने वाले आईएसआई की तारीफ में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कसीदे पड़े हैं। गुरुवार को जनरल बाजवा ने आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा कर सीनियर अफसरों के साथ आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की। उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख अहमद रशीद ने कराची में पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर का दौरा कर सिंध के आंतरिक हालात की समीक्षा की। कनाडा में एक्टिविस्ट करीमा बलोच की रहस्यमय मौत के बाद पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह और स्कॉलर बर्जिन वाघमान ने कैनेडियन सरकार से पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। करीमा बलोच बलूचिस्तान को आजाद करने और पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही थी। वो पिछले काफी वक्त से कनाडा में ही रह रही थी। पाकिस्तान अल्पसंख्यक अहमदियों की एक अमेरिकी बेस्ड वेबसाइट trueislam.com को बंद कराना चाहता है। वो इसे लीगल नोटिस भी जारी कर चुका है। पाकिस्तान ने वेबसाइट पर ईश निंदा का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। जो सुधर जाए वो चीन कहाँ? चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाई है। चीनी नौसेना ने अपने सैनिकों का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें वो समंदर में अपने जंगी जहाजों का झूठा दम भर रहा है।